नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9 Lite 5G versus Vivo Y58 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 Lite में 6.44 इंच जबकि Y58 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9 Lite में 2.98 इंच जबकि Y58 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Z9 Lite में 0.33 इंच जबकि Y58 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 Lite में 185 ग्राम जबकि Y58 5G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9 Lite से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 Lite में 6.56 इंचेस जबकि Y58 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9 Lite में 720x1612px HD+ और Y58 5G में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 Lite में 84.01% जबकि Y58 5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 Lite में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y58 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Lite में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y58 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Lite में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y58 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9 Lite में माली G57 MC2 जबकि Y58 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 Lite में MediaTek Dimensity 6300 और Y58 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9 Lite में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y58 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9 Lite में 5000 mAh जबकि Y58 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है, और बात करें Y58 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z9 Lite 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y58 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y58 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A3 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।